अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूँ शफीक शुजात। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं एक टीचर हैं, और इनकी जो खूबी हमें यहाँ खींच के लाई है, ये खूबसूरत कैलीग्राफी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। ये हम इनसे जानेंगे, पढ़े लिखे हैं, एमए कर चुके हैं, एमए बीएड हैं, और बहुत खूबसूरत बोलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये हम एक साल इकट्ठे भी पढ़ते रहे हैं। हमने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बुनियादी कोर्स किया था, उसमें अब्बास साहब मेरे क्लास फेलो हैं। जी मोहम्मद अब्बास साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। अच्छा अब्बास साहब, आपका एक अब नाम है शहर में, हुजरा शाह मुकीम में, तो ये कैलीग्राफी में, पेंटिंग में, आप ये जो अपनी हैं प्लेटें वगैरह भी बनाते हैं, इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? जो भी कैलीग्राफी में पूरी फील्ड है हमारी, तो इसमें जो कुछ भी आता है, बैनर्स आते हैं, फ्लैक्स डिजाइनिंग आती है, नंबर प्लेट्स वगैरह, साइन बोर्ड, नेम प्लेट वगैरह, ये सब कुछ है। अच्छा, आप इतना कुछ करते हैं, तो आप किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी काम किया है कोशिश करता हूँ कि वो अच्छा ही हो। तो ये तकरीबन 28 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में। ये हमारा ख़ानदानी पेशा समझ लें कि लिखाई जो है वो हमारी ख़ानदानी जो है वो बहुत अच्छी है, मेरे बुज़ुर्गों की, और फिर जो मेरे उस्ताद हैं नाज साहब, तो ये बहुत अच्छे जो है ना, ये ख़ानदानी पेशा है हमारा। अच्छा, तो जो नाज साहब हैं वो आपके बड़े भाई हैं? छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं? छोटे भाई हैं। अच्छा अच्छा जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप सरकारी स्कूल में टीचर भी हैं और टीचिंग के बाद आप आके ये कारोबार करते हैं, तो क्या समझते हैं कि कारोबार में ज़्यादा बरकत है या मुलाजमत में ज़्यादा बरकत है? नहीं, मेरे ख्याल में ये कारोबार जो है ना वो बहुत अच्छा है। मुलाजमत तो फिर वो एक लगी बंदी तनख्वाह आती है उसकी, लेकिन ये कारोबार है, इसके जो है वो ज़्यादा स्कोप होता है, तो मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा बचत है। अच्छा, आप हादसाती तौर पे ये दुकानदारी की जानब आए, इस जानब आए, या एक बाकायदा प्लानिंग करके आप आए? नहीं, ये बाकायदा प्लानिंग करके, भाई थे पहले, उनकी शॉप थी, जो उस्ताद है मेरे नाज साहब, उनकी शॉप थी, तो वो अकेले काम करते थे, उनकी उम्र भी बहुत छोटी थी। अच्छा। जिस वक्त उन्होंने दुकान बनाई तो 13-14 साल 12 साल उनकी उम्र थी, तो फार हेल्पर जो है मैं उनके पास गया था, तो फिर ऐसा ऐसा जो है वो ये मुकम्मल होता है। अच्छा अब्बास साहब, आपने इस काम में महारत हासिल करने में कितना टाइम सर्फ किया? नहीं, ये काम ऐसा है कि सारी ज़िंदगी भी बंदा सीखता रहे, तो मेरे ख्याल में ये मुकम्मल नहीं सीख सकता, लेकिन है कि कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करूँ। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अब्बास साहब ये फरमाइए कि ये जो काम है, ये हमारे जो नए नौजवान हैं जो आजकल फारग हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहें, बेरोज़गारी ज़्यादा है आप जानते हैं, वो इस फील्ड में आना चाहिए, तो कोई मुस्तकबिल है बच्चों का? मुस्तकबिल अभी है, अभी पहले जो थे लिखाई वगैरह का काम पहले ठप हो गया था, जब नई नई फ्लैक्स आई थी तो काम यकन बहुत ठप हो गया था, लेकिन अब ऐसा ऐसा दोबारा जो है ना वो उसको अरूज मिल रहा है, और मेरे ख्याल में ये आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जो है वो रोज़गार के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, जवाल आने की वजह क्या बनी? फ्लैक्स मशीनें आ गई तो यकदम वो सारा रुझान उधर हो गया। अच्छा अच्छा। लेकिन अब ऐसा ऐसा जो है ना वो दोबारा हैंडमेड जो काम है उसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ज़रा दोबारा बता दीजिए, जो कि हमारे नाजरीन है या हमारा चैनल देखने वाले हैं, वो आपकी अगर शॉप पे आएँ तो क्या उम्मीद रख के आएँ कि यहाँ क्या क्या बनता है इनके पास? जी, हमारे पास बैनर्स हैं, साइन बोर्ड हैं, नंबर प्लेट है, फ्लैक्स डिजाइनिंग है, उसके बाद कवरों पर लगने वाले जो हैं कतबे हैं, तो लिखाई के मुतलका जो है ना वो तकरीबन, उसके बाद ये लेमिनेशन का काम है, ये भी बहुत अच्छा है। तो अच्छा, लेमिनेशन किस चीज़ की आप करते हैं? बाइक की, गाड़ी की डेकोरेशन जो होती है। अच्छा, एक जो बाइक की लेमिनेशन है वो एक स्टूडेंट करवाना चाहे तो उसके जेब में कितने पैसे होने चाहिए? ये मुकम्मल जो है बाइक, वो हम खसूसी पैकेज दे रहे हैं, वैसे तो रेट बहुत ज़्यादा है,
लेकिन हम जो है वो खसूसी पैकेज के तहत काम करते हैं। ये मेरा बेटा है, ये काम करता है जी, तो हम 1200 रुपए में जो है ना वो मुकम्मल कर देते हैं वन मुकम्मल कर। हाँ, उसमें जोड़ नहीं होता, ठीक हो गया। और टेप की भी गारंटी है कि उसमें जो है ना वो चाइना की हम टेप नहीं इस्तेमाल करते, हमारी शॉप पे एक जो टुकड़ा है ना चाइना का वो नहीं मिलेगा। सही। अच्छा, ये जो लेमिनेशन हो जाती है उसके बाद उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र मेरे ख्याल है वो अगर उसको खुद ना उखाड़ें तो 20-25 साल उसे कुछ नहीं होता। जबरदस्त। अच्छा, खूबसूरत लगती भी है? बहुत बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। मुख्तलिफ कलर हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, नहीं कोई बच्चा आपके पास आना चाहे काम सीखने के लिए तो आपको क्लास वगैरह लेते हैं या उसे शागिर्द के तौर पे अडॉप्ट करते हैं? तालिब इल्म तो काफ़ी सारे मेरे पास आते हैं। मून राइटिंग एकेडमी के नाम से जो है ना वो मैंने तकरीबन को 15 साल पहले ये शुरू की थी। अच्छा, तो फिर इधर दुकान का काम ज़्यादा हो गया तो दरमियान में से जो है ना वो गैप आ गया, लेकिन अब भी बच्चे इधर आते हैं मेरे पास, सिर्फ लिखाई के लिए आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट, लेकिन वो सिर्फ अपना स्कूल और रूटीन वाइज जो लिखाई है वो सीखते हैं बस। अच्छा, उनसे आपको फीस वगैरह लेते हैं? जी बिल्कुल फीस लेते हैं, क्योंकि फीस का जो है वो बराए नाम होती है, 500 रुपया फीस है, वो इस दौर में तो बराए नाम ही है, लेकिन वो इस वजह से लेते हैं कि वो माँ बाप थोड़ा सा सोचे कि हमने फीस दी हुई है तो इसको चलो रूटीन वाइज रोज, ताकि बच्चे को एहसास हो कि मैंने 500 देने हैं और मैंने कुछ ना कुछ सीखना है। जी अच्छा, अब्बास साहब ये फरमाइए कि आप टीचर भी हैं, तो टीचिंग में आपने देखा कि अब तख्तियों का रवाज ख़त्म हो गया है, तो ये तख्तियों के ख़त्म होने से कुछ लिखाई, बच्चों की लिखाई में फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो कलम तवात का दौर था, सारे पेंटर जो है ना वो सारे उसी दौर से ही पैदा हो गए हैं। सही है। आप भी अगर किसी ने पेंटर बनना है तो कलम दवात से ही शुरू करना पड़ेगा उसे। अच्छा, यानी आप कलम दवात के हक में हैं? जी बिल्कुल, ज़रूर होना चाहिए, उसकी गिरफ्त के बगैर जो है ना वो नहीं, बंदा कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, बात सब ये तख्ती वगैरह के अलावा अगर कॉपी वगैरह पे या दस्ते वगैरह पे प्रैक्टिस की जाए तो? असल में इसके लिखने का और इसके लफ्ज़ के आगे जाने का जो है ना वो आप मार्कर से लिखते हैं ना, तो मार्कर से आप लिखेंगे तो लफ्ज़ जो है वो जल्दी से आगे जाएगा, अगर उसको आप ज़्यादा देर एक जगह रखेंगे तो स्याही फैल जाएगी, वो उसकी जो शेप है लफ्ज़ की वो नहीं होगी। तो कलम दुआत जो है ना वो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी कलम दुआत ही है, उसके बगैर जो है ना वो नहीं। जितने भी असातज़ा हुए हैं पाकिस्तान में या जो अभी चल रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, तो साहब ने कलम तो आज से ही शुरू किया था। अच्छा, आवाज़ साहब, अब आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए कैलीग्राफी, तो आप फिर तख्ती वगैरह लिखवाते हैं? तख्ती भी लिखवाता हूँ और दस्ते से, क्योंकि उनका काम होता है आप दस्ते पे ज़्यादा, तख्ती पे तो होता नहीं है। तख्ती पे उन्हें लफ्ज़ लिखना सिखाता हूँ, बाद में जो है ना, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर पाँव से भी लिखूँ ना तो बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, आँखें बंद करके भी लिखूँ, क्योंकि लफ्ज़ जो है वो सारा स्केच जो मेरे जहन में जो है ना वो महफूज है। सही। अच्छा, तो ये फरमाइए कि अगर कोई नया बच्चा आपके पास आ जाता है तो कितना टाइम आप लेते हैं कि उसकी जो खताती है वो बेहतर हो जाती है? कम से कम 1 माह, क्योंकि 1 माह से ज़्यादा तो हम किसी बच्चे को इधर रखते ही नहीं ना, क्योंकि हमें फीस की जो है ना वो नहीं है। एक माह तो कोई टाइम नहीं है ना, सिर्फ 1 माह, और 1 माह में इंशाल्लाह छोटी से कह रहा हूँ कि बेहतर हो जाएगी, लाजमी तौर पे बेहतर। अच्छा, सिर्फ 1 माह। अच्छा अच्छा, चलो हट के हम इस शोबे से हट के बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। आप टीचर हैं तो टीचिंग लाइफ आपकी कैसी गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। टीचिंग के हवाले से आप कुछ कहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे टीचिंग के हवाले से? आजकल तो ये है कि मेरे ख्याल में हड़तालों का मौसम चल रहा है, असातिज़ा के साथ जो है वो खुसूसी वो मेरे ख्याल में अनाथ रखा जा रहा है कि उनके पे पैकेज वगैरह जो है ना वो असातिज़ा को जलील किया जा रहा है, जो उनका हक बनता है उससे महरूम किया जा रहा है। सही है। तो ये इजाफा ज़रूर होना चाहिए, महंगाई के तनासब से भी जो है ना वो नहीं, ये तो गवर्नमेंट असातिज़ा को एक अजाफी तनख्वाह दे रही है, आप इससे खुश नहीं है? नहीं, वो तो वक्ती तौर पे उसका फ़ायदा होगा, लेकिन वो ये कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, या तो फिर ये करती ना कि वफाकी को भी ना देती, या दूसरे जो महकमे हैं जो उनके नज़दीक हैं जिनसे वो ज़्यादा काम लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए जी, तो उनकी तो उन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन असातिज़ा चूँकि वो उनके कोई काम नहीं करते
तो इसलिए ये मुखालफत हो रही है। यानी आप बहैसियत टीचर मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर तालीम से और सेक्रेटरी तालीम से कि वो सोचें? जी बिल्कुल, ज़रूर उन्हें सोचना चाहिए, बल्कि हमदर्दाना सोचना चाहिए और जल्द अज जल्द जो है ना वो ये इजाफा होना चाहिए। अच्छा, आप तो माशाल्लाह साइड बिजनेस करते हैं, जो असाज़ा सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करते हैं वो उनकी ज़िंदगी से आप ज़रा वाकिफ़ हैं? बहुत अच्छी तरह जी, जो कोलीग हैं मैं उनको देखता रहता हूँ कि वो बस एंड टू माउथ ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला है जो उनकी जो पर्दापोशी करता है और उनके लिए जो कोई सबाब पैदा कर देता है, लेकिन हालात जो हैं वो सरकारी मुलाजम के बहुत ही, हम ना तो हमारा कोई एक्स्ट्रा जो है कोई जरिया है, हम रिश्वत नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते, तो हमारा सारा दारोमदार जो है वो इसी तनख्वाह पर ही होता है, लेकिन महंगाई के हिसाब से जो है ना वो ये नाकाफ़ी है तनख्वाह। अच्छा अब्बास साहब, आप ये फरमाइए कि सज़ा का जो तसव्वुर ख़त्म किया है इस बारे में आपकी क्या राय है? सज़ा अगर मुनासब हो मौके पे तो फिर थोड़ा बहुत है, मेरे ख्याल में जो तलबा के जो बिगड़ने का जो सबब बन रहा है ना वो भी यही है कि वो सामने लिखा होता है स्कूल के सामने कि मार नहीं प्यार, तो वो बस उसाज़ा को घूरते रहते कि उसाज़ा से हमें क्या कहना है, जो हम मर्जी करते रहें। तो मैं आपको बताता हूँ कि शरीफ साहब ने मेरे ये दाएं हाथ पे छड़ी मारी थी, आप भी दर्द हो रही है। यानी आपके उस्ताद मोहतरम? जी मेरे उस्ताद मोहतरम शरीफ साहब, चौधरी शरीफ साहब, हाई स्कूल उजरा जी बिल, और अभी जो है वो 30 साल से मेरे हाथ में दर्द होता है। अच्छा, उसी और जब दर्द होता है मैं उन्हें दुआएं देता हूँ कि उस एक छड़ी की वजह से जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी है। अच्छा, यानी आपका ख्याल है कि सजा मिलनी चाहिए लेकिन मुनासिब हद तक? नहीं, लाजमी नहीं कि ये जैसे उस्ताद मारते हैं बस एक तरफ से पकड़ लिया तो बस उसका जो है ना तालिबे इल्म को बस उधेड़ के रख दिया, ये नहीं, ये सजा नहीं, ये तो जुल्म है। सही है, तो ऐसे नहीं, तो अगर वाकई जो है ना वो बच्चा को अगर करता है तो उसको थोड़ा बहुत जो है ना वो होना चाहिए उसके साथ। अच्छा अब्बास साहब, हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करते हैं उससे हम कोई ना कोई शेर सुनते हैं, तो आप अपनी पसंद का कोई शेर सुना दें। जी इलामा इकबाल का शेर है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमान। क्या खूबसूरत है। अच्छा अब्बास साहब, अगली हम बात करेंगे कि मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को खैर बात कहकर मुकम्मल इस तरह शिफ्ट होने का कि जब तक रिटायर नहीं होते आप मुकम्मल करेंगे अपनी जो जॉब है? नहीं, जॉब तो मुकम्मल नहीं करनी, बस किसी भी वक्त जो है ना वो अल्लाह हाफिज़ कह देंगे, तो इरादा है इंशाल्लाह लाहौर में जो है ना वो इसी काम को वो आगे बढ़ाऊंगा, शॉप वगैरह के लिए उधर हो रही है बातचीत, तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगी लाहौर में, तो ये मुकम्मल खैर बात कहना है। नहीं तो आप क्यों नहीं, मेरे ख्याल में मुलाजमत से जो है ना वो नहीं, और फिर आप दो बेटे भी माशाल्लाह मेरे वो इस फील्ड में है, तो उनके लिए जो है ना बतौर हेल्पर वो मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा जो मेरा तजर्बा है वो इसको उनकी तरक्की के लिए मैं लगा दूँ। अच्छा आवाज़ सब क्या रिस्पांस उजरा शाह मुकीम में कम है? नहीं, उजरा शाह मुकीम में भी बहुत है, लेकिन बेहतर से बेहतर की जानब जो है वो जाना चाहिए। सही, तो इसी वजह से जो। अच्छा अब्बास साहब, आपने हमारा चैनल रोशन पाकिस्तान विद शफीक शुजात देखा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं बहुत खुश हूँ कि उजरा की सतह पे जो है वो ऐसा चैनल जो है वो ऑन ईयर हुआ है, तो ये खुशी की बात है, और मेरे ख्याल में ये अहम तरीन ज़रूरत थी एलियाने उजरा शाह मुकीम के लिए जो आपने पूरी कर दी है। थैंक यू। अच्छा अब्बास साहब, आखिरी सवाल ये फरमाइए कि आपके माशाल्लाह दो बेटे आपने जिक्र किया, तो आपने उनको एजुकेशन के शोबे में आगे तालीम आला तालीम याफ्ता बनाया या नहीं बनाया, क्या वजह है? नहीं माशाल्लाह, मेरी दो बेटे हैं और दो बेटियाँ हैं, बेटियाँ मेरी जो हैं वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है दोनों ही। सही सही। तो ये बेटों को मैं चाहता था कि मैं अपना सारा तजर्बा जो है ना वो उन्हें कन्वर्ट कर दूं। जी जी, तो इस वजह से ना, और फिर ये है कि ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है ना वो कमा रहे हैं। ख्वाब तो होते हैं ना कि बेटा कोई ऑफिसर बने, कोई CSS ऑफिसर बने, PPS ऑफिसर बने, ऐसा कोई ख्वाब आपके जहन में नहीं है? नहीं, जहन में तो है, असल में फिर देखना पड़ता है कि उनके जो बेसिक नंबर हैं, तो मेरे ख्याल में जो उसके हिसाब से ना वो ये काम इनके लिए बेहतर था, तो मैं इनको इस तरफ लेके आया। अच्छा आखिर में आप हमारे नाज़रीन के नाम को पैगाम देना चाहें?
किस हवाले से? किसी भी हवाले से अपना कोई मैसेज देना चाहें, बहसियत टीचर, बहसियत कैलीग्राफी के, या किसी भी हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम? मैं ये बच्चों को खास तौर पे पैगाम दूंगा जो तालिबे इल्म है कि अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ रहे हैं तो फिर सिर्फ पढ़ाई पर ही जोर दें। अगर कुछ बनना है तो फिर तो मेहनत जो है ना वो 24 घंटे जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है। तो जितने आप अच्छा पढ़ेंगे उसकी उतना ही आप जो है ना वो अच्छा आपका मुस्तकबिल बन सकता है। लेकिन तो ये जो खेल भी अगर आप कहें कि साथ रहें, आवारा गर्दी भी साथ रहें, तो ये जो है ना ये वालदैन को प्लीज़ धोखा ना दें। नाजरीन, मोहम्मद अब्बास जो कि टीचर हैं और अजाफी इन्होंने बिजनेस भी ये कर रखा है कैलीग्राफी का, पेंटिंग का, तो कैसा लगा अब्बास साहब का आपको इंटरव्यू? अगर अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर कहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम इस जैसे नौजवानों के, इस जैसी शख्सियात के इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं किसी और के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। नाजरीन, ये शॉप है मोहम्मद अब्बास साहब की जो आप देख रहे हैं, ये प्लेटें हैं मोटरसाइकिल की और ये जो कैलीग्राफी वगैरह करते हैं, पेंटिंग करते हैं और लेमिनेशन करते हैं, ये खूबसूरत छोटी सी दुकान है, लेकिन ना जहर है जिस तरह की दुकान है इस तरह की इन्होंने अपनी सेटिंग वगैरह की हुई है। बहरहाल ये हुजरा शाह मुकीम के बेहतरीन कैलीग्राफर हैं और ये अपना काम जो है वो अजाफी काम चलाए हुए हैं। इनकी गैर मौजूदगी में इनके साहबजादे होते हैं और इनके छोटे भाई होते हैं जो कि इनकी जगह अपने फ़राइज़ जो हैं वो सरंजाम देते हैं। ज़बरदस्त है, मैंने तो पसंद किया इनकी शॉप को भी और इनके इंटरव्यूज़ को भी और इनकी जो बातें हैं खूबसूरत उनको भी। इनके साहबजादे जो हैं ये बैठे हैं लेमिनेशन कर रहे हैं मोटरसाइकिल की, हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसा कारोबार है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, ये आप लेमिनेशन कर रहे हो तो कितना टाइम लगा ये आपको काम सीखने में? तकरीबन 2 साल। 2 साल। अच्छा, तो आप क्या वजह है कि आप इस तरफ आए, आप तालीम की तरफ, आपके अबू जो हैं वो टीचर हैं, तो आप टीचिंग की तालीम की तरफ क्यों नहीं आगे बढ़े? बस वैसे शौक था इस काम का इसलिए। अच्छा, तो मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, क्या बनना है आपने? मुस्तकबिल पे तो अभी तो काम बस यही कर रहे हैं, इंशाल्लाह यही करेंगे। अच्छा, इस काम में आप दिलचस्पी से करते हैं तो आप फरमाइए कि आप एक जो लेमिनेशन है मोटरसाइकिल वो कितने टाइम कितना लेते हैं लेमिनेशन करते करते? 2 घंटे तकरीबन एक मोटरसाइकिल। अच्छा, 2 घंटे। 2 घंटे, ठीक हो गया। अच्छा, कोई आप बात करना चाहते हैं हमारे चैनल की वसातत से नौजवानों के लिए? कोई पैगाम? बस पैगाम तो यही है कि बस पढ़ें, हुकूमत को चाहिए कि कोई ना कोई नौकरियां भी दे, बस और तो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, शुक्रिया। नाजरीन, आप ये देख रहे हैं ये बच्चा जो है ये मोटरसाइकिल की लेमिनेशन कर रहा है और ये कहता है कि ये 2 घंटे का टाइम लगता है लेमिनेशन करने में, और अब्बास साहब हमें बता रहे थे कि 1200 रुपया हम लेते हैं और ये जो लेमिनेशन है ये 20-25 साल ख़राब नहीं होती अगर इसे ख़राब ना किया जाए, ध्यान से रखा जाए। तो ये है अब्बास साहब की दुकान और ये बिल्कुल जब आप मेन बाज़ार से बाहर निकलते हैं उमर फारूक जो चौक है यहाँ, आप किसी से भी पूछेंगे दाएं हाथ ये इनकी दुकान है जी। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू और ये अब्बास साहब की दुकान? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में कुछ ना कुछ कहिएगा, अल्लाह निगहबान।